अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से तो जो फ्रेंड्स अभी का जो व्लॉग है मैं स्टार्ट कर रही हूँ किचन की जो बैक साइड जो गैलरी बनी हुई है वहाँ से हाँ मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है मगरिब का टाइम जो है होने वाला है अभी तक जहीम आए नहीं है तो बस मैं उनका ही वेट कर रही थी तो मैंने सोचा कि आज का जो व्लॉग है वो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और अभी बस मैं उनका वेट कर रही हूँ तो चलते हैं अंदर और देखते हैं जहीन कब तक आते हैं बहुत ज़्यादा जो है ना बोरियत हो जाती है बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करती हूँ और दो दिन से बहुत ज़्यादा उदास भी हूँ इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती मेरी जो ट्रिंकल है जब से वो गई है तब से मेरा दिल बिल्कुल भी घर में नहीं लग रहा जबकि जैली भी है जैक भी है बस वो एक बात जहन में बैठ गई है ना कि उसको मैंने अलग कर दिया अपने से वो मेरे से दूर हो गई क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अटैच जो है वो मेरे साथ हो गई हुई थी तो खैर जाना तो था ही उसने क्योंकि अब वो भी फीमेल थी जैली भी फ़ीमेल थी तो उनके आपस में जो है ना लड़ाइयाँ होती थी इसलिए तो जैक मेरे पास है ट्विंकल पहले मेरे पास होती थी अब जैक मेरे पास होने लग गया है तो खैर अभी देखते हैं जेम को कॉल करती हूँ कि वो कहाँ हैं कब तक आते हैं और आज का ब्लॉग जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे जईम खैर से आ गए थे और जईम आते हुए ले आए थे आलू वाले समोसे और चिकन वाले समोसे आलू वाले थे जईम के लिए और चिकन वाले थे मेरे लिए क्योंकि मुझे आलू वाले समोसे इतने अच्छे नहीं लगते बहुत कम जगह होती है जहाँ से मुझे अच्छे लगते हैं अदरवाइज मैं ज्यादा शौक से चिकन वाले समोसे खाती हूँ तो जी मैं बस निकल रही हूँ अब क्योंकि थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी ग्रॉसरी करूँगी और ये जिप बंद करना बैक अच्छा इसमें मेरा पुराना पर्स भी है तो अब बस निकल रहे हैं अच्छा, और... ये बार, अच्छा। <laughs> आप कुछ बोलने ही नहीं दे रहे <laughs> बस ये आए इन्होंने आते ही बोला है कि आज मैंने सॉक्स भी लेने अच्छा सॉक्स क्यों ले रहे हैं

शर्ट सारी गिर लेना जब उसको दे रहे हो गए और उसको आ, 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 आ। जैक निकल गया तो कितना अच्छा लग रहा होता है सब कुछ साफ 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 से आते हैं गाड़ी कितनी गंदी हुई हुई है नहीं भाभी मुझे रबर मारने लगे थे वेरी बैड और बस ये सोसाइटी में ही लॉन्ड्री वाला है इसको देनी थी जइम की शर्ट्स और शलवार कमीज थी बॉस्की का ड्रेस था वो देना था क्योंकि एक तो बॉस्की जो है ना मैं घर में वॉश करती हूँ ना मैं प्रेस करती हूँ और ये जितनी शर्ट्स हैं इन सब को जो है आ, प्रेस करवाना है और बॉस्की को जो है वॉश भी करवाना है और प्रेस भी करवाना है तो क्योंकि मेरे मैं सच बताऊँ मैं सब कुछ करना जानती हूँ लेकिन कपड़े भी प्रेस कर लेती हूँ ये नहीं कि मैं कपड़े प्रेस नहीं कर सकती लेकिन मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा उलझन होती है कपड़े प्रेस करते हुए कपड़े तय करते हुए ये दो काम जो है मेरी कमजोरी है मेरे से नहीं होते मुझे नहीं मज़ा आता और वैसे भी ज़ैम के जो ये वाली शर्ट्स होती हैं मैं हमेशा लॉन्ड्री से ही करवाती हूँ ज़रा नीटनेस आ जाती है और अचानक जैम को कहीं जाना होता है तो फ़टाफट ज़ैम निकालते हैं और पहन के जो हैं चले जाते हैं तो बस यहाँ पे ज़ैम दिखा रहे हैं गिन रहे हैं और ज़ैम इसको बता रहे हैं कि लास्ट टाइम एक लाइट्स स्पोट आ गया था इसके ऊपर और ये देखें ये आपकी वजह से ही आया हुआ तो वो कह रहे थे कि अच्छा मैं इसको ठीक कर देता हूँ साफ़ कर देता हूँ तो जी बस इंसान है गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं और दरगुजर करना चाहिए बस मैं इनको यहाँ पे जैन को ये बोला था कि उसको कुछ कहना नहीं डांटना नहीं बस यही कहना कि ये लास्ट टाइम आपके पास ही आई थी शर्ट और इसके ऊपर दाग था हमने इस्तेमाल भी नहीं की तो आप इसको अच्छी तरह से जो है रिमूव कर देना उन्होंने कहा कि आप टेंशन नहीं लें साफ़ हो जाएगी और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बहरिया टाउन में आ, सफारी मॉल है वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर टाइप बना हुआ है तो वहाँ पे आई थी मुझे कुछ चिकन लेना था इसके अलावा ग्रॉसरी लेनी थी ग्रॉसरी में मुझे मसाले वगैरह जितने थे ना मसाला ज़ात वो मेरे सब ख़त्म हो गए थे और मसाला ज़ातों के बग़ैर जो है ना खाना मैं बिल्कुल भी नहीं बना सकती मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता खाना बनाने में जब तक मेरे पास मज़े मज़े के मसाले ना हो शान के तो भैया ये कोई मैं शान की यहाँ पे कोई वो नहीं कर रही वो क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं ये आप सब मुझे कमेंट में बताएंगे मैं भी तो देखूं कौन कौन यहाँ तक आया है मेरी वीडियो देखने के लिए <laughs> तो बस यहाँ पे जी मैंने बिरयानी मसाला ले लिया था पुलाव मसाला ले लिया था और इस दफ़ा मैंने ज़्यादा नहीं बस मैंने एक एक दो दो पैकेट ही लिए थे और इसके अलावा कोरमा मसाला जो है ले लिया था चिकन कढ़ाही ले लिया था और बाकी मेरी नम, नमक नमक था मेरे पास मिर्च लाल मिर्च ली थी कुटी लाल मिर्च ली थी बस इस तरह के जितने मसाले थे ना साबत खरे मसाले गरम मसाला तो भाई मेरा मोस्ट फेवरेट है उसके बगैर तो मैं सब्ज़ी भी नहीं बना सकती एक चुटकी डल जाए ना तो बस दूर दूर तो तक खुशबू जाती है कि जी सब्जी बनी आज इनके घर में मज़ेदार किस्म की तो बस यहाँ पर ग्रॉसरी हो रही है और आम, अगर ये सब चीज़ें ना लेनी होती तो मैं कार में ही रहती और मैं जहीम को बोलती कि जईम आप ये भी ले आना ये भी ले आना लेकिन ये जितनी चीज़ें हैं ये मुझे पता थी इसलिए मैं आज खुद आई हूँ अंदर और ख़ुद लेकर जा रही हूँ वरना आई हेट शॉपिंग चाहे वो ड्रेसेस uh, की हो या ग्रॉसरी की हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये वाली शॉपिंग मुझे लगता है कि मैं काफ़ी शौक से करती हूँ कि कौन कौन सा मसाला लेना है क्या लेना है तो किस किस को ग्रॉसरी करना पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जी अब बात कर लेते हैं अपने पुराने कपड़ों की ये जो आप देख रहे हैं जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये मेरी शादी से एक साल पहले का है और मेरे ससुराल वालों ने मुझे पहली दफ़ा जब मेरी पिक्चर देखी थी तो इस ड्रेस में देखी थी और ये ड्रेस मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है और ये ड्रेस मुझे बिल्कुल फिट फाट अभी तक आता है मतलब कि मैं इतनी मोटी नहीं हुई <laughs> अच्छा कपड़े बताते हैं कि आप कितना मोटे हुए हो मतलब मैं पहले भी ऐसी ही थी और इतनी स्मार्ट भी नहीं थी इतनी मोटी भी नहीं थी बस थी थी आहो थी मैं तो और वैसे भी मैं थोड़ी जो अपने ड्रेसेज हैं ना लूज स्टिच करवाती हूँ और जो मेरा मास्टर है ना वो कुछ कुछ स्टिचिंग भी इस तरह से करते हैं कि बंदे को ना पाँच छः साल कपड़े आ ही जाते हैं बेशक वो मोटा हो जाए तो बस यहाँ पे Uh, अब हम लेने आए हैं जी झाड़ू मुझे किसी ने कमेंट किया था स्वीटी जी अपना झाड़ू चेंज कर लें तो यार मुझे चेंज करना था असल में बात पता है क्या है मैंने सरीन को ना दो से तीन दफ़ा मैं नए झाड़ू ला कर दे चुकी हूँ वो पता है क्या करती है यूज़ करने के बाद बस जाते हुए बस ऐसे रख जाती है और वो तीन के ऊपर नीचे हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे तक वैसे के वैसे ही आकड़ जाते हैं और वहीं वे फ़िक्स हो जाते हैं तो मैं बस यहाँ पर लेने के लिए आई थी लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जिस तरह का मैं यूज़ करती हूँ जही मुझे यही कह रहे थे कि ये तीन केस का आहिस्ता आिस्ता बाहर निकल जाए और यहाँ पे जी देख लो जी पांडे शांडे यहाँ पे मुझे बर्तन देख रही थी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये क्रॉकरी देखना क्रॉकरी खरीदना तो फिल वक्त अभी मेरा कोई इरादा नहीं है क्रॉकरी लेने का और कुछ टाइम के बाद सोचूंगी कोई ना कोई नॉर्मल सा डिनर सेट मैं लूँ लेकिन अभी मुझे इसलिए नीड नहीं है कि बस आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक कुछ अच्छा सा जो है सेटअप बना दे उसके बाद ही जो है ना मैं इस तरह की चीज़ें लूँ तो अभी बस मैंने इतना ही लिया हुआ है ज़रूरत का कि दो चार बंदे आ जाएँ तो मैं उनको अच्छे बर्तनों में जो है डाल कर जो है खिला सकूं तो बस यही थे मेरी आज की नन्ही मुन्नी सी ग्रॉसरी शॉपिंग और छोटी मोटी सी चिट चैट आप सबके साथ और यहीं पे होता है जी मेरा आज का व्लॉग भी खत्म और शॉपिंग करने के बाद मैं घर आ गई थी और घर आते हुए मुझे आज लेकर आना था महानूर को महानूर को तो आप सब जानते ही हैं जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको पता है कि जी महानूर कौन है तो रास्ते से मैं महानूर को पिक करूंगी क्योंकि मुझे करवानी है घर की डीप क्लीनिंग और मैं अकेले नहीं कर सकती तो बस अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रास्ते जो हैं बंद हुए हुए हैं उसकी वजह से आप कहने के हम कल बहुत ज्यादा ट्रैफिक में फंसे रहे तो महानूर को जो मैं अपने साथ लगाऊंगी अब ये नहीं कि मैं जी सब कुछ महानूर से ही करवाऊंगी तो उसको जो है मैं अपने साथ लगाऊंगी जैसे छोटे मोटे ड्रॉज हो गए इनकी क्लीनिंग तो बच्चा जो है ना खेल खेल में वो सारे सफाई जो है कर देता है और अलमारी वगैरह सेट जो है वो भी मैं कर चुकी थी अपनी तो अब यहाँ पे जी आ, काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी मैं और महानूर बैठ कर खा रहे हैं आइसक्रीम और बस मैंने कुछ कपड़े जो है वॉश किए थे सुबह वो भी मैंने तय करके जो है रखे थे तो महानूर ने कल आए थे भाजी मैं अलमारी में सेट कर देती हूँ तो उसने बस वो अलमारी में रख दिए थे बाकी मेरा सारा काम जो है हो गया था और अब जी कल मिलेंगे डीप क्लिनिंग वाले ब्लॉग के साथ तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ अपने दौर में रखिएगा याद अल्लाह हाफ